लिपिकार्ड 160 mg टैबलेट। आज की वीडियो में रिव्यू करूंगा लिपिकार्ड 160 mg टैबलेट के बारे में। अगर बात करूं उसके यूज के बारे में तो ये एक ऐसी दवा होती है जिसे डॉक्टर्स हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर्स ये दवा प्रिस्क्राइब कर दिया करते हैं। अब अगर बात करूँ इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये दवा पेशेंट ने खाई तो हमारे शरीर में जाने के बाद ये किस तरीके से काम करेगी, तो जो इसकी जो मेन दवा होती है फेनोफाइब्रेट, तो जो इसकी मेन दवा होती है वो होती है फेनोफाइब्रेट। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको ये बदलती है गुड कोलेस्ट्रॉल में, और जो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारी हार्ट की धमनियों में जम करके ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, ये उनको शरीर से हटाने का काम करती है। तो इस तरीके से ये काम करती है। अगर बात करूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है पेट में समस्या करेगा। आपको नाजिया की फीलिंग आ सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, इसके अलावा आपको भूख ना लगना, ये कुछ इसके बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर बात करूँ कुछ मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है तो ये है कि इस दवा को खाने से पहले आप एल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और ऐसी दवाइयाँ जो खून को पतला करती हैं उसके साथ में इस दवा को खाना हानिकारक हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर बात करूँ उसके MRP के बारे में तो ये आपको मार्केट में 197 रुपये की 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप बड़े ही आराम से मिल जाती है। और अंत में बात करूँ उसके कंपनी और उसके क्वालिटी के बारे में तो ये USP कंपनी की दवा है। USP मार्केट में अच्छा खासा रेपुटेशन रखती है। ये शुगर और हार्ट की दवाइयाँ बनाती है। क्वालिटी वाइज ये बहुत ही एक्सेलेंट होती है, मतलब हम इनके क्वालिटी पर भी भरोसा कर सकते हैं। तो ये तो था लिपिकार्ड 160 mg टैबलेट के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी था। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।